खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां चार ने प्रशासन के कम्युनिटी हॉल के पास लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार बूंद बूंद पानी बचाने के लिए देश भर में लाखों रुपए खर्च कर आम जनता को जागरूक करने में लगी है, वहीं जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लाखों गैलन मीठा पानी नाले में व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग को कई बार इस बात की सूचना दी गई, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। सूचना पर एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता ने जलदाय विभाग अधिकारी को क्षतिग्रस्त लाइन सुधारने के निर्देश दिए। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां चाचूनी गांव में कलयुगी बेटे ने बाप की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक प्रकाश नाथ के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रकाश और उसके बेटे जितेंद्र नाथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो कि हाथापाई से मारपीट में बदल गया। झगड़े में प्रकाश नाथ गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एसआरजी अस्पताल झालावाड़ के लिए रेफर किया गया, जहां प्रकाश नाथ ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।